बुजुर्ग लोग ही आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम उसी जन्नत में रहते हैं। ये खेत बाड़ में कमाई जमाई लोड़ भी पा रहे ना। ए उच्च डांडी काठियों को ठंडो पानी रे। हमारे पहाड़ में अभी भी दया धर्म मतलब सब कुछ है, दया है। हर आपने बच्चों का भविष्य भी देखा, बंटवारा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत ताई जी को हिस्सा मिला है। 3 सालों बाद मुझे एक खुशखबरी मिली है, दिल खुश हो गया, मन खुश हो गया इतना। तो दोस्तों ये है मौसर भरदार कि मेरा पड़ोसी गांव। 9 बजे के टाइम पर हमने पूरा ये खेत गुड़ाई कर लिया है। बाकी इतने सारे अंगूर है हमें यहाँ पर मिले लिंगड़ा गदेरे में। मैं आ रही हूँ चूलू के पेड़ पर, यह है हमारा चूलू का पेड़। जय हो माँ मठियाणा की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जो भर का आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आइए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की ताजी सी गुड मॉर्निंग में। और आज भी जा रहे हैं हम गुड़ाई करने, लगभग काफ़ी दिनों बाद हम आज आ रहे हैं गुड़ाई करने। वैसे दोस्तों जो ये मंडुआ की रोटी होती है काफ़ी गोल और छोटी सी होती है, गोल मटोल रोटी होती है ये। और मंडुआ हमारे सेहत के लिए बिल्कुल लाभदायक होता है, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी बिल्कुल नहीं बनी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ी अधिकांश तौर जो लोग होते हैं वो मंडुए की रोटी ही खाते हैं। तो हम बाहर की बात करें तो बाहर भी लोग मंडुए के लिए तरस जाते हैं, कहीं लोग तो गांव-गांव से मंडुआ मंगाते भी हैं। और हमने कहीं पर देखा है कि जो खासकर जो बुजुर्ग जैसे पुरुष लोग होते हैं तो वो मंडुए की रोटी का ही सेवन करते हैं। तो दोस्तों हम आजकल, आप लोग जानते होंगे पहाड़ी लोग आजकल खेतों पर बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के ठीक नीचे वाले खेत में। तो यहां पर परसों आ रखे थे हम, तो हमने सोचा पता नहीं कैसा होगा वहां, लेकिन हमें यहां काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिखने को मिला है। जो झंगोरा है काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो दोस्तों जो झंगोरा और मंडुआ होता है वो दो तरह के होता है, यानी कि मतलब झंगोरा जो होता है वो अलग होता है और मंडुआ अलग होता है। मंडुआ हम मनुष्य प्रजाति के लिए होता है और जो झंगोरा होता है वो होता है जानवरों के लिए, यानी कि जो हमारी गाय बैल भैंस वगैरह है उनके लिए। तो ये झंगोरा जो होता है स्पेशली उन्हीं के लिए होता है। और एक जो त्यौहार आता है दीपावली में कुछ शायद त्यौहार आता है, तो वो बैलों के लिए स्पेशल इसमें जो झंगोरा होता है उसका हम बोलते हैं पीना, पीना बनाकर बैलों को स्पेशल दिया जाता है। वैसे दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं ये बड़ा सा गांव मार गांव भर रहा है, यानी कि मेरा गांव है। अभी सारे लोग जा रखे हैं खेती बाड़ी करने के लिए, काम धंधे के लिए, कोई मतलब दिहाड़ी मजदूरी के लिए। तो इतना बड़ा गांव है तो मकान बननी ज़रूरी है। आजा। तो दोस्तों आजकल सभी लोग कामों पर व्यस्त हैं, इसलिए अभी गाँव सुना साना सा लग रहा है। सही बोलते हैं बुजुर्ग लोग, जितना भरोसा बुआ जी को अपने बेटों पर है उतना मोदी जी पर भी है। तो वैसे ही बुआ जी बोल रही है कि तुम्हारी दादी भी बोले 2 रुपये मोदी ने दिए होंगे, बोल 2 रुपये बेटों ने दिए होंगे, बोल बरसी के लिए जो भी होगा, दादी की जो बरसी होती साल भर में जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, थोड़ा बहुत मोदी ने दिए होंगे। पर मुझे तो लगता है मोदी ने जरूर दिए होंगे, बच्चों पर भरोसा नहीं आ रहा मुझे। आजकल की जनरेशन को देखकर बच्चों पर बिल्कुल भरोसा नहीं आ रहा है जितना मोदी जी पर आ रहा है ना बुआ। नहीं, बच्चों पर है, बच्चों पर भी है। क्या खतरनाक हिंदी है बुआ की, बच्चों पर भी है। ठीक है तुम्हें भाई, ठीक है तुम गुडना सा बुढ़ी उम्र माई है, 80 वर्ष उम्र हुएगी। ये खेत बाड़ में कमाई जमाई लोड़ भी पाले ना, दोनों पाले ना। अब लोग 15 पौने मेरे बरून डाले बाजा, तेने और बरून भी डाले, सब उन डाले ने, सब उन डाले ना, सब चली शहर में, सब शहर में भी गई, कोई शहर में गई, कोई अब औसा बहुत धोनी पाला। अच्छा भाई, और तब दान ये बांझ पड़ेगी, दान भी बांझ पड़ी, घर भी बांझ पड़ेगी। बस अच्छा, तो आते छोरे सारे पा रहे ना, जुआ भी से ना, खवा भी से ना, ये पूर्ण पर ना, ये पूर्ण पटो पर अब
गोंज बांदर भी होगी ना कुछ भी नहीं बदले भी होगी ना बस पिछे मतलब 75 वर्ष से उम्र पुफू ना हाँ ते उम्र पर तो हम उन्हें मेरे दाद भी तेंचे ते उम्र है तब हम वो भी नहीं जाना अब उन भी नहीं जाना दाद भी नहीं सकता कहते हैं बस जेल लग चुका था तो फोन खोला नहीं जाना तो फोन मर जोला तो दोस्तों जो बुआ जी है उनके हस्बैंड को गुजरे हुए कल 29 वर्ष अच्छा कल से यानी कि कल 28 वर्ष 12 तारीख को 28 वर्ष पूरे हो जाएंगे बुआ जी को हस्बैंड के गुजरे हुए तो उस टाइम से बुआ जी ने अपने बच्चों को भी पाला 29 साल से ना बुआ लड़की भी शादी करी लड़कों भी तो यूं शादी कर तीन बच्चे हैं तेरा अच्छा बुआ जी के तीन बच्चे हैं लड़की लड़की की शादी भी की लड़कों की शादी भी की तो पहले ज़माने में ना थोड़ा बहुत शादी पे थोड़ा कम ही होता था आजकल की जनरेशन में देखो भाई साहब एक शादी करो तो पूरा बिक जाते हैं भाई तो दोस्तों जो बुजुर्ग लोग हैं ये आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने जो ये खेती बाड़ी है इसी पे आपने बच्चों का भविष्य भी देखा पढ़ाया लिखाया भी और एक माँ बोलती है कि बल्ले बुजुर्ग बोल रहे हैं बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि हमने अपने पेट भूखा रखा अपने पेट अपने बच्चों के पेट के लिए कि हमारा बच्चा खाना खाए हम दिन भर खेतों में भूखे रहे पर हमारा बच्चा खाए पिए खूब आगे बढ़े जवान होए पढ़े लिखे लेकिन जब अगर लास्ट में बेटे आस तोड़ देते हैं कि बोलते हैं ना कि कई लोग पलायन चले जाते हैं मम्मी को घर में अकेला छोड़ देते हैं तो उस टाइम बहुत ही बुरा लगता है तो ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी इसी खेती पर पाला पोसा भी इसी खेती पर आज सारे जगह लोगों ने खेती बंजर कर दी है ये संदेश है बुजुर्ग लोगों का तो दोस्तों जैसे ही मैं गुड़ाई करने से घर आ गई रास्ते में मुझे एक ताई जी मिली और हमारे पहाड़ में यही होता है जिसकी जो चीज़ होती है नई चाहे कुछ भी हो नई पुरानी वो हर किसी को बांटते ही बांटते हैं तो ताई जी के थे पोलम हमारे गांव में सिर्फ उन्हीं के हैं पोलम और किसी के नहीं हैं पोलम तो ताई जी ने बोल दिया ले चार अपने लिए ले जा बोले तो हमारे पहाड़ में अभी भी दया धर्म मतलब सब कुछ है दया है हर इंसान के प्रति तो ये दया है सिर्फ बुज़ुर्ग इंसानों में क्योंकि आजकल जो नए नए हैं उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है कैसे हो आप कैसे हो? आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है? नहीं अपना नाम बताओ मेरा नाम नहीं ना इम्मा मेरा नाम आर्यन है बस बस क्या बिग फैन हो तो दोस्तों मिली आज मेरे नए नए सब्सक्राइबर लोगों से और ये सारी छोटी छोटी मेरी फ्रेंड है और मुझे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो गाइज मिलिए छोटी छोटी फ्रेंडों से जय दोस्तों आप सभी को मेरा सादर प्रणाम आज भी ठीक होंगे मस्त होंगे हम भी ठीक ही हैं मस्त है व्यस्त जरूर व्यस्त होंगे स्वस्थ होंगे व्यस्त होंगे मस्त होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो दोस्तों ये है मेरी छोटी छोटी क्यूट फ्रेंड तो ये है रिया ये अंशिका ये सिया बाकी ये दो इनका नाम क्या है रिया रितिका रिया रितिका तो बाकी ये दोनों मेरी नई सब्सक्राइबर हैं इनकी मम्मी भी हमारी वीडियोस देखती हैं कहाँ के रहने वाले हो आप चिराग दिल्ली मतलब गांव तो हमारा गांव ही है मादगांव भरदार लेकिन रहते चिराग दिल्ली में तो इस आजकल घर आ रखे हैं तो बोल रहे थे कि ऋतु दीदी से मिलने जाना है तो अभी पहुंच चुकी है हमारे घर पर हेलो कर दो हेलो कैसे हो हाय अच्छे हो ठीक है दोस्तों छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं वैसे भी शहर के बच्चे बहुत ही तेज़ होते हैं और ये हमारे पहाड़ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज़ है ख़तरनाक टैलेंट है इसमें तीनों में तो बाय कर दो बाय मिलेंगे फिर बहुत ही जल्दी जल्दी तो मैं आपको अपने पहाड़ की दो लाइन गाने की सुनाती हूँ वो भी पुराने पुराने भले लगो दो मैं मुल्क को साड़ो रे आहा साड़ो रे ए उच्च डांडी काठियों को ठंडो पानी रे ए बांझ की झाड़ियों को ठंडो पानी रे स्वर्ग सामान मेरा गो मुल्क सारे ए स्वर्ग सामान मेरा गो मुल्क सारे ए बसंती ऋतु मयक ए जंदी बहार ए बसंती ऋतु मयक ए जंदी बहार ए जंदी बहार तो दोस्तों बाय
भाई बहुत ही अच्छा गाया आप लोगों ने, ठीक है ऐसे ही गाते रहना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट जरूर करना। वैसे दोस्तों हमारी क्यूट क्यूट पहाड़न जी से एक प्यारा सा डायलॉग सुनी लीजिए आप लोग, कि हम पहाड़ी हैं भुला, जहाँ जाने के आप लोग सपने देखते हैं, हम उसी जन्नत में रहते हैं। वाह गुड गर्ल। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी गांव की सड़क पर, यानी कि यह सड़क जाती है सौंदा खाल मोसड़ भरदार और मामाठाना का रास्ता भी, इसी रास्ते से जाते हैं हम लोग मामाठाना दरबार में। तो बाकी आप लोग देख रहे होंगे पीछे हरे भरे खेत, आजकल लोग धूप में ही लगे हुए हैं, तो हम भी धूप ही में लगे हुए थे, तभी तो आजकल सकल पूरी चेंज हो चुकी है दोस्तों, क्या करें तब। लेकिन जब लास्ट में क्या बोलते झंगोरा पक जाता है ना, तो सुमर कुछ नहीं रखता, सारी मेहनत बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों गाना लगा देते हैं। रेला रोड़ियों का बिसेला घाम चन स्याली। तो दोस्तों ये है मोसड़ भरदार, यानी कि मेरा पड़ोसी गांव, ये है मेरा मामा कोट यानी कि नानी का गांव। नाना नानी तो चले गए, लेकिन बहुत ही प्यारा गांव है मोसड़ भरदार, और मम्मी वहीं देखते जा रही है। देखो कहाँ होगी मेरी माँ, माँ तो चली गई स्वर्ग में, पिताजी भी चले गए स्वर्ग में, अब रही भाभी और भैया जी। तो भाभी जी कल यानी कि मेरी मामी जी कल हमारे घर आ रखी थी, बहुत ही प्यारा। वैसे तो ये नीचे गदेर की जगह पर है ये गांव, पर बहुत ही प्यारा गांव है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इतनी धूप में, जय हो पहाड़ी नारी। बाकी दोस्तों ठीक सामने है हमारा माधगांव भरदार, इस साइड से थोड़ा कम दिखता है, लेकिन पीछे की साइड से पूरा गांव दिख जाता है। अभी हमें करनी है यहाँ पर घुड़ाई। तो दोस्तों अभी हम अपने गांव के मेन जो गदेरा होता है, सबसे बड़ा गदेरा होता है सावन के महीने पर, यह गदेरा पूरा पानी से भरा रहता है, हमारे घर से साफ नज़र आता है। तो अभी इसी गदेरे में पहुंच चुके हैं हम, तो गदेरे से थोड़ा बहुत ऊपर पे हमारा खेत है। तो दोस्तों यहां पर भी ठंडा है, क्योंकि अभी निकल रहा है ठंडा ठंडा पानी, और ये पानी आता है जहाँ से हम जंगल जाते हैं, उछलाण कोंचा या फिर आरखर्क, वहाँ से ये पानी आता है ठंडा ठंडा। बाकी दोस्तों हमें ऊपर पर मिले चूल्हे, तो ये चूल्हे इतने मीठे हैं, इसके अंदर जो बीज होता है वो भी बज रहा है। तो ये चूल्हे हैं जैसे हम बोलते हैं ना, बुजुर्ग आदमी हमें बहुत मतलब सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो बिल्कुल ये चूल्हा भी बुजुर्ग पेड़ का है, बहुत ही बूढ़ा पेड़ था, तो बहुत ही मीठे चूल्हे हैं। मम्मी ऊपर से आ रही है, मम्मी आ नहीं पा रही है क्योंकि चिपला चिपला पत्थर भी बहुत है, जिसको जिसमें फिसलने का डर रहता है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं खेत में। बाकी दोस्तों गदेरों में जो इस प्रकार की जो वनस्पति होती है, अलग अलग प्रजाति के होते हैं लिंगड़ा, तो हमें यहाँ पर मिले लिंगड़ा गदेरे में। वैसे दोस्तों अभी मैं आ रही हूँ चूल्हों के पेड़ पे, ये है हमारा चूल्हों का पेड़, इस पर काफ़ी थोड़े बहुत चूल्हे हैं, बंदा ने तो सारे खा लिए, तो मैं निकाल रही हूँ चूल्हे। देखो